हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि गुप्ता फ्रॉम एमवी एकेडमी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टेंस, इट्स पार्ट एंड इट्स हेल्पिंग वर्ब। सो लेट अस स्टार्ट विद टेंस। सी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर? अब प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करने का कीवर्ड होता है इसमें एवरीडे, डेली या सम यूनिवर्सल ट्रुथ। पास्ट क्या इंडिकेट करेगा? यस्टरडे या कोई भी लास्ट, जैसे लास्ट वर्ड आ गया तो वो आपका पास्ट कंसीडर किया जाएगा। फिर आपका आ गया फ्यूचर। फ्यूचर में क्या हो गया? आने वाला कल, टुमारो, या फिर कोई भी अपकमिंग टाइम, वो आपका फ्यूचर होगा। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टेंसेज, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब कंसीडर करेंगे ये पार्ट। ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यही चारों पार्ट पास्ट कंसीडर करेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से आपका फ्यूचर भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक। इसके बाद देखिए, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होंगे जो ये चारों टाइप के टेंस कंसीडर करेंगे। पहला होता है आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा होगा आपका निगेटिव सेंटेंस, इसके बाद आपका आएगा इंटेरोगेटिव, और इसके बाद आपका आता है इंटेरोगेटिव निगेटिव। क्लियर? ये चार पार्ट्स हो गए आपके, सिंपल, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव। अब आपको सिंपली इसकी वर्ब सिर्फ समझनी है कि किस टेंस में हम कौन सी वर्ब लगाते हैं। ठीक? तो इसका एक अच्छा सा चार्ट देखिए आप। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल होगा उसमें सिंगुलर जो होते हैं ही, शी, इट या किसी का नाम, इसमें आपको वर्ब की एस या ई एस फॉर्म लगानी है। जब इसमें प्लूरल यूज हो, प्लूरल कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है? फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे लिखा हो, इसके बाद अब आपका फॉर एग्जांपल देखिए, ही गोज़ टू मार्केट, मतलब ही हमने लगाया, सिंगुलर है तो हमने वर्ब की एस या ई एस फॉर्म लगाई, गो की ई एस फॉर्म हो गई, गोज़। इसी तरह दे गो टू मार्केट, अब इसमें प्लूरल आ गया दे, तो हमने सिंगुलर वर्ब, सिंगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। निगेटिव में आ जाइए, निगेटिव में क्या होता है कि सिंगुलर में आपको इसके साथ डज नॉट लगाना है और प्लूरल प्रोनाउन के साथ डू नॉट लगाना है। बस इसमें एक कंफर्टेबल है कि अब आपको एस या ई एस फॉर्म ढूंढने की नीड नहीं है, चाहे आप डज नॉट लगाओ या डू नॉट, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बस ये याद रखना, ही, शी, इट और नाम के साथ डज नॉट और प्लूरल में डू नॉट का यूज़ होगा। जैसे ही डज नॉट गो टू मार्केट और दे डू नॉट गो टू मार्केट। इज दैट क्लियर? एक्चुअली जो हेल्पिंग वर्ब का इशू आता है ना, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा, अदरवाइज सब में जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के आगे आप नॉट लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? नाउ सी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिंगुलर ही, शी, इट या नेम, तो इज़ लगाओगे, इसके बाद आई के साथ एम लगेगा, यू, वी, दे के साथ आर लगता है। पूरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, आपको आई एन जी फॉर्म लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने यहाँ पर गो या ई एस का यूज़ किया था, आई एम गोइंग टू मार्केट, इसके बाद दे आर गोइंग टू मार्केट। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाओ, सिंगुलर होगा, हैज़ का यूज़ होगा, अब आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर ही, शी, इट या नेम आता है, प्लूरल होगा तो हैव का यूज़ करोगे। ठीक? वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, दे हैव गॉन टू मार्केट। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, इसलिए मैं इसको आपको अलग से समझा रही हूँ। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी? हैज़ बीन या फिर
हैव बीन, क्लियर? हैज़ बीन होगी या तो हैव बीन। हैज़ बीन किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ, जितने भी सिंगुलर प्रोनाउन है उनके साथ, हैव बीन प्लूरल प्रोनाउन के साथ। ठीक, ये आपका कंसेप्ट हो गया। इसके बाद इसकी जो वर्ब की फॉर्म होगी, वर्ब की फॉर्म इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें टाइम का ड्यूरेशन दिया होता है, मतलब वो इतने यहाँ से लेके यहाँ तक उसने काम किया इस समय के लिए। यहाँ पर जब टाइम गिवेन होगा, उस टाइम के लिए आपको या तो फॉर लगाना होगा या फिर सिंस लगाना होगा। इसकी एरर बहुत आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड। आपको फॉर कहाँ लगाना है? अनसर्टेन टाइम के लिए, जहाँ पर अनसर्टेनिटी हो टाइम की, मतलब निश्चित ना हो। सिंस कहाँ लगाना है? सर्टेन टाइम के लिए, जहाँ पर टाइम आपका निश्चित हो। ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे? जैसे कि अब देखिए, फॉर के लिए, फॉर में क्या होता है कि टाइम की लंबाई दी होगी, मतलब लेंथ ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटे, 2 आवर्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। मतलब ये समझाने का है कि आवर्स का नंबर होगा, मंथ की का नंबर होगा, ईयर्स का नंबर होगा। ये आपको लंबाई बता रहा है कि 2 महीने से, 2 घंटे से, 2 ईयर से। ठीक है, उसके बाद सिंस का क्या यूज़ है? सिंस आपका यूज़ होता है सर्टेन टाइम के लिए, यानी कि ओ क्लॉक, ये आपका सर्टेन टाइम है। मंथ्स नेम, किसी भी महीने का नाम हो गया। ईयर, ईयर मीन्स 1998, सो ऑन। या फिर मॉर्निंग, ऐसे सारा चीज़ें। और इसमें क्या हो जाता? डेज नेम, डेज नंबर और डेज नेम, मतलब नंबर ऑफ डेज आएगा, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, वो फॉर कंसीडर करेगा। डेज का नेम आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो सिंस कंसीडर करेगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। हैज़ बीन सिंगुलर के साथ आई एन जी कंसिडर करेगा, हैव बीन प्लूरल के साथ आई एन जी कंसिडर करेगा। फॉर सिंस की एरर आती है कि कभी फॉर ओ क्लॉक लगा कर दे देंगे आपको, सिंस 2 आवर्स लगा कर दे देंगे। ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपको इसको कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है? एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। जैसे दिया हो, वह 2 बजे से काम कर रहा है, वह 2 बजे से काम कर रहा है। ठीक, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है तो क्या हो जाएगा? ही 2 बजे से टाइम दे दिया, हमने कंसीडर कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब के साथ जाएंगे। ही हैज़ बीन, वर्ब की आईएनजी, वर्ब हो गया काम करना, तो ही हैज़ बीन वर्किंग, आईएनजी फॉर्म लग रही है। बजे दे दिया, यानी कि निश्चित समय दे दिया, तो यहाँ हो जाएगा सिंस 2 o'clock। क्लियर? ये हो गया आपका 2 o'clock। यानी इस सिंस को आपको ध्यान में रखना है, ये हेल्पिंग वर्ब आपको माइंड में रखना, और ये आईएनजी फॉर्म। हैव दिया है, हैज़ दिया है, आप वर्ब के थर्ड के फॉर्म के साथ जा सकते हो, वो आपका गलत होगा। ये टोटल आपका आज मैंने सिर्फ प्रेजेंट क्लियर किया है, इसका एक बार आप ट्रांसलेशन देख लीजिए। कल आपको पास्ट का सारा लेक्चर मिलेगा, इसके बाद आपको फ्यूचर का। जैसे लिखा हो, वह स्कूल जाता है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट ये कंसीडर कर रहा है, यानी कि ही। इसके बाद हमने आपको बोला आपको वर्ब के साथ जाना होगा, ही गोज टू स्कूल। क्लियर? यही सेंटेंस अगर हो रहा होता, वह स्कूल जा रहा है, तब इसका क्या हो जाएगा? ही
ही के साथ आपको इज़ लगाना है, मैंने बताया, और आईएनजी फॉर्म, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक, ये सब मैं सिंपल करा रही हूँ, निगेटिव भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद वह स्कूल गया है, अब यहाँ गया है, जा चुका है, काम हो चुका है, बट इसका हो जाएगा ही के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। ठीक, अब आ जाइए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका मान लीजिए लिखा हो, वह सुबह से काम कर रहा है, इसका क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये याद रखिएगा, निगेटिव में जब भी आपको नॉट लगाना हो तो इसके बीच में लगेगा, ही हैज़ नॉट बीन। ठीक, इसी तरह इंटेरोगेटिव में, एक्चुअली ये चीज़ सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में याद रखने की अभी ज़रूरत है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि ये जो हैज़ है ना, ये आगे आ जाएगा। ठीक, जब वाक्य क्या से स्टार्ट हो, तब जब क्वेश्चन वर्ड से आएगा तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। ठीक, ये स्ट्रक्चर आपको MBA एकेडमी विद रश्मि गुप्ता मैम सर्च करिएगा, स्ट्रक्चर में आपको ये वीडियो पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।